विगत लगभग एक महीने से मणिपुर में हिंसक घटनाएं हुई है। सबसे पहले तो मैं जिन दुर्भाग्यपूर्ण नागरिकों की हाल की हिंसा में मृत्यु हुई है, इस सभी के परिवारों के प्रति देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से, मेरी ओर से और भारत सरकार की ओर से उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जान किसी की भी गई हो, देश के नागरिक की जान जाती है, तब हम सबको, मुझे, आपको, सभी को दुख होना बहुत स्वाभाविक। इन दो दिन के दौरान मैंने ढेर सारे इधर और साइड के लोगों से मुलाकात की है। मैंने इन तीन दिनों में अस्थाई कैंपों का दौरा किया है। ये तीन दिनों के अंदर मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में, इम्फाल, मोरे, चूराचांदपुर, कोम्पोक्पी, सभी जगह जाकर नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल और आहत लोगों से चर्चा करने का प्रयास किया है। राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी मीटिंग की है, महिला संगठनों के साथ भी दोनों ओर मेरी मीटिंग हुई है। मतई समुदाय के लगभग 22 सीएसओ को मैं मिल चुका हूं। इसी प्रकार से कुकी समुदाय के भी 25 से ज्यादा सीएसओ के साथ मेरी मीटिंग हुई है। बुद्धिजीवी संगठन, प्रोफेसर, रिटायर्ड अफसर, समाज के सभी वर्गों के साथ शांति लाने के उपायों के लिए और शांति की चर्चा के लिए मेरी बातचीत हुई। अलग अलग 11 पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के साथ भी मेरी डिटेल चर्चा हुई है। ओलंपियंस और राष्ट्रीय खेलों में खेले हुए खिलाड़ियों से भी मेरी चर्चा हुई है और सभी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों से भी मेरी चर्चा हुई है। दो राहत कैंपों में मैं गया, दोनों राहत कैंप में स्थिति का जायजा भी लिया है और अलग अलग स्तर के भारत सरकार और मणिपुर सरकार के अधिकारियों की, सिविल अधिकारियों की और सुरक्षा बलों की मीटिंग भी मैंने की है। हमने ढेर सारे फैसले भी किए हैं जो आज मैं बताना चाहूंगा। भारत सरकार विगत एक महीने से चलती हुई हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा और ये जांच भारत सरकार की ओर से कराई जाएगी। भारत सरकार मणिपुर के गवर्नर साहिबा की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन करेगी जिसमें सभी का समावेश होगा, उद्योगपति भी होंगे, खिलाड़ी भी होंगे, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी होंगे, चुने हुए प्रतिनिधि भी होंगे और अलग अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि भी सभी प्रकार के होंगे। मणिपुर में अभी ढेर सारी एजेंसियां सुरक्षा की दृष्टि से काम कर रही है, उनके बीच में बेहतर समन्वय के लिए एडवाइजर श्री कुलदीप सिंह जी, जो कि रिटायर्ड डीजी सीआरपीएफ हैं, उनकी अध्यक्षता में इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था आज से ही हम रचना में लाएंगे, जो सभी एजेंसियों के बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, पक्षपात विहीन कोऑर्डिनेशन के लिए इनकी अध्यक्षता में काम होगा। जितने भी केस रजिस्टर किए गए हैं, इसमें से 5 केस चयनित किए गए हैं और 1 केस इन जनरल कॉन्स्पिरसी का रजिस्टर्ड कर ये 6 केसों की जांच सीबीआई का विशेष दल करेगा जो भारत सरकार के तत्वाधान में किया जाएगा। और मैं सभी मणिपुर वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी
पक्षपात और भेदभाव के बगैर हिंसा के मूल तक जाकर आने वाले समय में कभी हिंसा न हो, इस प्रकार की एक न्यूट्रल जांच और दोषियों को दंडित करने की कार्यवाही की जाएगी। एक रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज को भी तैयार किया गया है। जितने भी लोगों का जान गया है वो सभी को 5 लाख रुपया मणिपुर सरकार की ओर से और 5 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये राशि DBT के माध्यम से उनके परिवारजनों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। जो इंजर्ड हुए हैं उन इजाग्रस्तों के लिए, जिनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है उन लोगों के लिए भी एक रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज तय कर लिया गया है, जिसकी डिटेल घोषणा कल भारत सरकार के गृह मंत्रालय से हम करेंगे। मणिपुर की जनता को चीज वस्तुओं की कमी न हो इसके लिए 30,000 मैट्रिक टन नियत कोटा से एक्स्ट्रा चावल भारत सरकार ने यहां पर भेजा है। वो चावल 15,000 मैट्रिक टन के 2 महीने तक 15,000 मैट्रिक टन भेजा जाएगा। गैस, पेट्रोल और सब्जियों की भी आपूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है। सारी चीजें ऑन वे हैं और उनके वितरण के लिए सस्ता अनाज की जो दुकान है इसके अलावे एक अलग से कैंप खोला जाएगा, जहां उनके इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड से भी अनाज मिलेगा और जिनको परचेस कर चाहिए उसको भी मिलेगा। वहां से सब्जियां भी बांटी जाएगी, दवाइयां भी बेची जाएगी और पेट्रोल पंप कुछ चयनित कर दिए गए हैं, लगभग 15 पेट्रोल पंप जो दिन रात खुले रहेंगे, जिससे पेट्रोल की किल्लत यहां पर हो न सके। आवाजाही में आप सभी जानते हैं थोड़ी दिक्कत है, इसलिए खोनसेंग रेलवे स्टेशन अभी पूरा नहीं बना है मगर लाइन तैयार हो गई है, तो हमने टेम्पररी प्लेटफॉर्म बनाने का निर्णय किया है जो एक ही सप्ताह में बन जाएगा, तो रेल से भारत के बाकी हिस्सों से मणिपुर की आपूर्ति करने के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा होगी। युद्ध स्तर पर ये प्लेटफॉर्म बनाने की कार्यवाही कल से ही शुरू हो गई है। मैं आशा करता हूं कि 4-5 दिन के अंदर ही हम रेल के माध्यम से यहां आपूर्ति शुरू कर देंगे, तो रेल जब आना शुरू होगी तो चीजों की कमी में बहुत सुधार हो जाएगा। दोनों ओर लोग शिफ्ट हो गए, इसके कारण मेडिकल डॉक्टर की भी असुविधा विशेषकर कुकी भाइयों के क्षेत्र में हुई है। भारत सरकार ने 8 टीमें, जिसमें 20 डबल ग्रेजुएट डॉक्टर होंगे, वो डॉक्टरों के साथ उनकी टीमें भी होंगी, वो टीमें वहां से रवाना हो चुकी है। 3 टीम पहुंच चुकी है और 5 टीम आज शाम तक यहां रिपोर्ट कर देगी, जो मोरे, चूड़ाचांदपुर और कॉमकोपकी के एरिया में क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाओं का काम करेगी और बाद में इम्फाल में भी अगर ये क्राइसिस होती है तो आसाम सरकार के डॉक्टर लाने की भी हमने व्यवस्था की है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और शिक्षा में मणिपुर के विद्यार्थियों को कोई व्यवधान न हो इसलिए भारत सरकार के शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी आज यहां पहुंच चुके हैं। उनका और मणिपुर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मीटिंग होने के बाद एक कॉन्क्रीट प्लान, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित न हो, उसको हम बनाएंगे, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और डिस्टेंस टीचिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। ये सारी व्यवस्था को हम 2 दिन के अंदर एक फाइनल स्वरूप दे देंगे, जिससे बच्चों की शिक्षा में और एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। कोर्ट में मणिपुर के कुछ हिस्सों से आने में तकलीफ है,
हम हाईकोर्ट के साथ चर्चा कर रहे हैं, तीन जगह वर्चुअल माध्यम से अपीयर हो सके इस प्रकार की व्यवस्था की है, करने जा रहे हैं हम। चूड़ाचांदपुर, मोरे और कंपोकवी में, जहां से मणिपुर हाईकोर्ट में सीधी अपनी बहस भी कर सकेंगे और हाईकोर्ट लिबरल तरीके से उनको जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती डेट भी दे पाएगी, इससे काम करने में काफी सरलता होगी। आवाजाही की सरलता से के लिए ये तीनों क्षेत्रों से एक अस्थाई हेलीकॉप्टर यातायात की व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं, जो सिर्फ 2000 रुपया पर पर्सन के रेट से इन लोगों को एयरपोर्ट तक छोड़ देगा और इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम करेंगे। भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा का बाकी खर्चा भारत सरकार और मणिपुर सरकार उठाएगी। जैसे सुदूर क्षेत्रों में आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, ये सभी प्रकार की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसलिए एक जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के गृह विभाग के अधिकारी मणिपुर में उपस्थित रहेंगे और 5 डायरेक्टर स्तर के अधिकारी भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय के यहां पर उपस्थित रहेंगे। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमने म्यांमार और मणिपुर की बॉर्डर पर पहले ही ट्रायल बेस पर 10 किलोमीटर बाड़ लगाने का, फेंसिंग करने का काम हमने पूरा कर लिया है और 80 किलोमीटर के काम को हमने टेंडरिंग कर चुके हैं और बाकी की बॉर्डर की हम सर्वे भी चालू कर रहे हैं और पड़ोस के देश से आने वाले लोगों के बायोमेट्रिक्स और आई इंप्रेशन लेने का भी काम चालू है, जिससे आने वाले दिनों में उकसावे से यहां पर हिंसा न हो। मेरी सभी मणिपुर वासियों के से अपील है कि आप कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों के निरसन के लिए यहां पर कुछ टोल फ्री नंबर बनाए गए हैं, आइधर और साइड से शांति बनाए रखें। मणिपुर में शांति के कारण विकास का एक नया युग 6 साल से चल रहा था, कोर्ट के एक फैसले के कारण, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये मन मुटा हुआ है। मुझे भरोसा है कि मणिपुर की जनता आपसी सद्भाव के साथ चर्चा कर जल्दी इसका निपटारा लाएगी। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, मैं एक स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं सू ग्रुप वालों को भी एक कठोर संदेश देना चाहता हूं कि सू एग्रीमेंट का किसी भी प्रकार का वायोलेशन, किसी भी प्रकार का विचलन बहुत सख्ती से साथ लिया जाएगा और वो समझौते के भंग के रूप में लिया जाएगा। तो कृपया समझौते की सभी शर्तों का कठोरता से आप पालन करिए। आज से हम इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे और जिन लोगों के पास हथियार हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने हथियार पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। तो मेरा सभी से अपील है कि जिनके पास हथियार हैं वो सभी लोग पुलिस के सामने अपने हथियारों को सरेंडर कर दें। मैं सभी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अफवाहों पर ध्यान न दे, समय शांति बनाने का है, समाज के अंदर सद्भावना बढ़ाने का है और जिस काम के लिए आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है मैं मानता हूं वो काम यही है। तो आप लोग कृपया दोनों साइड से शांति बनाने का, चर्चा का और सद्भाव बढ़ाने का माहौल बनाए, ऐसी मेरी आप सबसे विनती है। धन्यवाद।